सो है गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं कुछ प्रोसेस जो है पाई को लेके बातें करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है मुझे मैसेज करते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, मेरी व्हाट्सएप पे पर्सनल पे आके मेरे साथ बात करते हैं कि सर हमें जो है पाई सेल करने हैं। ठीक है, मैं ये बात मानता हूँ कि मैं आप दोस्तों से पाई जो है बाय करता हूँ, क्योंकि ऑफिशियली वो किसी भी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट नहीं हुआ, लेकिन मैं उसको बाय जो है ब्लैक मार्केट में, जो दोस्त सेल करना चाहते हैं जिनको पैसों की नीड होती है वो अपने टोकन सेल कर देते हैं, कुछ टोकन सेल कर देते हैं या सारे करते हैं, उनको जितनी नीड होती है उतना सेल करते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ लोग जो है पाई सेल करते हैं, ऊपर आपको नंबर नज़र आ रहा है, नाइजीरिया का नंबर है। ठीक है, नाइजीरिया के लोग पाकिस्तान के लोगों से, इंडिया के लोगों से, सऊदी अरब, दुबई के लोगों से वो कहते हैं कि हम आपसे पाई लेंगे, हम आपको इतनी प्राइस देंगे, मैं मुसलमान हूँ, मुझे अल्लाह से डर लगता है, इस तरह मतलब वो बातें करते हैं। लेकिन जब वो टोकन ले लेते हैं, तो टोकन जब ले लेते हैं तो उसकी प्राइस जो है, पेमेंट जो है वो रिटर्न नहीं करते। ठीक है, वो पेमेंट की जो पाई की प्राइस है वो ज़्यादा बताते हैं कि $1 हम पे करेंगे, $2 पे करेंगे, लोग यकीन कर जाते हैं, लोग मुसलमान होते हैं कि यार ठीक है, अगर अगला अल्लाह के ऊपर छोड़ रहा है कि मैं अल्लाह के वास्ते आपको पेमेंट करूँगा। इस तरह मेरे साथ कई दफ़ा हो चुका है, क्योंकि नाइजीरिया के जो बायर हैं वो आके मेरे साथ कॉन्टैक्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे नाइजीरिया के कुछ लोग मेरे साथ बात करते हैं, वो कहते हैं नाइजीरिया के अंदर काफ़ी लड़के जो हैं हमारे साथ स्कैम हो जाते हैं, इस तरह मतलब इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप लोग पाई सेल करना चाहते हैं ठीक है आप करें, लेकिन वीडियो ज़रूर देखें, एंड तक लाजमी देखें, ताकि आपको इनका प्रोसेस जो है वो समझ आ जाए। ठीक है, इस टाइम मार्केट के अंदर आज क्या डेट है, 6 जुलाई है। ठीक है, मार्केट का जो रेट है 90 PKR है। ठीक है, PKR 90 और USDT के अंदर इसका जो रेट है 0.31 है। ठीक है, आज भी ये डील हुई थी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये नाइजीरिया की आज की डील है, कल भी नाइजीरिया के एक पर्सन से मेरी डील हुई थी, आज भी एक और पर्सन है, इससे पहले भी नाइजीरिया के कुछ लोग हैं जो मुझे पाई वगैरह वो सेल करते हैं कि हमें पेमेंट की ज़रूरत है तो आप पाई ले लें। ठीक है भाई, मैं उनसे पाई ले लेता हूँ ब्लैक में, जो भी प्राइस होती है। ठीक है, तो वीडियो हमारी लंबी हो रही है, तो आप दोस्तों से एक गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको फ्री माइनिंग एप्लीकेशन, आपको फ्री वाले एयर ड्रॉप्स जो होते हैं वो यहाँ पे आपको मिलते रहते हैं। अगर आपने अभी तक जो रियल माइनिंग प्रोजेक्ट हैं वो ज्वाइन नहीं किए, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ये सारे नेटवर्क जो हैं आप इनको ज्वाइन कर लें, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा, उसको भी लाजमी ज्वाइन कर लें, उसके अंदर भी मैं इस तरह की अपडेट्स जो हैं वो शेयर करता रहता हूँ, पाई का रेट भी शेयर करता हूँ, बेल अब लाजमी ज्वाइन करें, उसके भी जो लोग सेल करते हैं पाई करते हैं वो भी मेरे साथ जो है डील करते रहते हैं। सो गाइस, ये नाइजीरिया का पर्सन था, इनके साथ डील हुई, रेट उस टाइम कम था 0.29। ठीक है, 29 के साथ इन्होंने मुझे सेल किए 30 पाई। ठीक है, ये मैंने इनको पेमेंट की। ठीक है, वो यहाँ पे डरे हुए थे कि हमें जो है परेशान न करना, कि एक तो मैंने उनको ये भी बोला था कि मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो वो कह रहे हैं यार यहाँ पर हमने पाई सेल करना, और यहाँ पर एक उन्होंने बात की थी, हाँ डोंट डिसअपॉइंट मी। ठीक है, यहाँ पर मतलब वो डरे हुए थे। ठीक है, उन्होंने पेमेंट पाई की सेंड की, लेकिन फिर भी वो डरे हुए थे। मैंने कहा यार ऐसी बात नहीं, ये हमारी कुछ चैट है, अगर आप इसको स्लोमो में करके पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे नाइजीरिया के पर्सन जो हैं वो क्या यहाँ पे रिव्यू देते हैं आप यहाँ पे देखते हैं, तो नाइजीरिया के बंदों से मैं पाई बाय करता हूँ, और जो स्कैमर मुझे समझते हैं ना उनसे गुजारिश है कि मैं आप लोगों की वजह से ही पाई बाय करता हूँ, आगे मैं आपको अपना टाइम देता हूँ। देखें, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता, प्यारे मेरी बात सुने, मैं जॉब भी करता हूँ, मैं तकरीबन 12 घंटे की जॉब करता हूँ, इसके अलावा मैं स्टडी करता हूँ, मेरी 2 क्लासें हैं स्टडी की, यूट्यूब के ऊपर भी काम करता हूँ, ये बाबा जी का घर नहीं है, यहाँ पे टाइम लगता है। ठीक है, तो प्लीज़ मेरी बात का बुरा भी नहीं मनाना आपने। अच्छा, ये एक नाइजीरिया का बंदा था, ये प्रूफ में अच्छा एक और चैट है यहाँ पे, देखें एक और चैट है, आई थिंक ये भी भाई नाइजीरिया के हैं, इनसे मैंने पूछा नहीं, उन्होंने मुझसे रेट पूछा 0.30 रेट था, मैंने उनको बताया, वो कह रहे हैं 0.5 नहीं हो जाएगा, मैंने कहा नहीं ब्रो ये फाइनल रेट है मार्केट का, 0.31 मैंने उनको करके दे दिया। ठीक, फिर मैंने उनको एड्रेस सेंड किया, मुझे ये बात समझ नहीं आती, नाइजीरिया के पर्सन थे और उन्होंने इतना मेरे ऊपर ट्रस्ट किया और एड्रेस मांग के उन्होंने पाई ही ट्रांसफ़र कर दी, और वो भी 100। हालांकि लोग परेशान हो जाते हैं कि यार हम आपके 10 पाई सेंड करेंगे, 5 करेंगे, या आप पहले पेमेंट करें, तो इस तरह वाला सीन नहीं होता। देखिए, उन्होंने 100 पाई सेंड किए और मैंने उनको पेमेंट कर दी उसी टाइम। ठीक है, जो लोग स्कैमर समझते हैं, देखें पहले उनके साथ कोई मेरी बात नहीं होती, उन्होंने हाई किया, मैंने उनको रेट बताया, उन्होंने रेट पूछा, उसके बाद उन्होंने एड्रेस मांगा, मैंने एड्रेस दिया, और उन्होंने पाई जो है ट्रांसफ़र कर दी, और मैंने पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी। यहाँ पे देखें,
बस वो कह रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि और पाई आपने सेल करने हैं या नहीं करने है। उन्होंने कहा बिल्कुल करने हैं लेकिन कल करेंगे। ये भी नाइजीरिया के बंदे हैं, इंडिया के दोस्त भी सेल करते हैं, नेपाल के भी सेल करते हैं। तो मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, इतना आपके लिए काफ़ी है कि मेरी जो उनके साथ डील है इस तरह सेव होती है। अगर आप लोगों ने पाई अगर सेल करने है तो उसका प्रोसेस मेरी बात सुने। प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आपकी KYC का होना ज़रूरी है, आपकी KYC पास हो। जब आपकी KYC पास होगी फिर आपका जो टोकन है वो माइग्रेट होके आपके वैलेट में आएंगे। फिर आप पाई ब्राउज़र को ओपन करें, अपने वैलेट में जाएं, मेननेट जो आपके पाई हैं वो आप सेल कर सकते हैं, जो टेस्टनेट वाले हैं वो आप सेल नहीं कर सकते, ठीक है। मेननेट वाले सिर्फ आप सेल कर सकते हैं। जब मेननेट वाले आपके वैलेट में आ जाएं उनका आपने रेट पूछना, ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। अपने वैलेट में जाएं, मेननेट में जाएं, मेननेट में अगर आपका बैलेंस है आप सेल करना चाहते हैं, जो भी मार्केट का रेट होगा, अप होगा डाउन होगा, वही आपको मिलेगा। ये आपने नहीं कहना कि आपने वीडियो के अंदर बताया था 90 रुपीज़ रेट है पाकिस्तानी, और इंडिया का आपको पेमेंट ही इंडिया से हैं, नेपाल से हैं, दुबई से हैं, नाइजीरिया से हैं, पेमेंट आपको सिर्फ बिनांस में कर सकता हूँ, सिर्फ मैं आपको USDT में पेमेंट कर सकता हूँ। क्योंकि बाकी अगर आप इंडिया से हैं, INR जो आप आपका है उसके अंदर हम पेमेंट नहीं कर सकते। आपका गूगल पे है या पेटीएम है, पेपाल है, हम उसके अंदर पेमेंट नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान के अंदर हम यूज़ भी नहीं कर सकते। हमारे पास जो यूज़ होता है इजी पैसा यूज़ होता है, जैज कैश होता है, बैंक अकाउंट होता है या बिनांस होता है। सो मैं आप दोस्तों को बाहर से अगर आप फॉरेन से बात करेंगे तो पेमेंट जो है आपको बिनांस में मिलेगी। सो इसके अलावा आपने ज़्यादा बहस नहीं करनी, अपना भी आपने टाइम सेव करना है और मेरा भी टाइम बचाना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इसमें कुछ भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे आके मैसेज भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।